आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। चौबीस के चुनावी अभियान में जुटी भाजपा, हर लाभार्थी तक पहुंचे सरकार, मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का निर्देश। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक, विधानसभा और 2024 के आम चुनावी की तैयारियों पर चर्चा की, नड्डा शाह भी शामिल हुए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग, 12 जून को पटना में इकट्ठा होगी तमाम पार्टियां, 2024 चुनाव की संयुक्त रणनीति तैयार होगी। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, सीएम सिद्धारमैया के पास वित्त, शिवकुमार को मिला सिंचाई। कांग्रेस नेता नसीम खान ने मुंबई में नदी की सफाई में लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, जांच की मांग की है। ममता सरकार पर सुकांत मजूमदार ने किया हमला, कहा केंद्र पर भेदभाव के आरोप सरासर गलत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट मंत्रियों को दिया लक्ष्य, ईमानदारी से करे काम, कम से कम 20 लोकसभा सीटें जीतनी है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज। पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी बोली, सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। पहलवानों के साथ पुलिस की हाथापाई की ममता बनर्जी ने की निंदा, कहा पुलिस हिरासत से पहलवानों को तुरंत रिहा किया जाए। विनेश संगीता फोगाट साक्षी रिहा, बजरंग हिरासत में संसद जाते वक्त पकड़ा था, जंतर मंतर से पहलवानों के टेंट उखाड़े, एफआईआर दर्ज। मणिपुर में फिर हिंसा भड़की, इम्फाल में गाड़ियां चलाई, अब तक 40 आतंकियों का एनकाउंटर, सीएम बोले वे MK-16 AK-47 जैसे हथियार लिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी से मूर्तियां गिरी, शतऋषियों की 6 मूर्तियां खंडित, भोपाल गुना समेत कई जिलों में बारिश। राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन, एनसीपी ने की निंदा, कहा यह बेहद दुखद है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराया गया। विधायकों के साथ योजनाओं की हकीकत परखेगी समिति, वाराणसी में 4 दिवसीय दौरे पर आज आएगी विधानमंडल की संयुक्त समिति। जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन परियोजना का किया निरीक्षण, बोले समय से परियोजना पूरी नहीं होने पर होगी कार्रवाई। सोनिया गांधी पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने साधा निशाना, बोले संसद में रायबरेली का नाम तक नहीं लेते, बिना मुंह की सांसद मिली है। सपा ने मनन दुबे के परिजनों को दी आर्थिक सहायता, नेताओं ने घर पहुंचकर पिता को सौंपा 3 लाख का चेक, अखिलेश यादव ने दिया था आश्वासन।
सोनभद्र में दो बच्चों की डूबने से मौत, पोखर नहाने गए थे प्रियांशु और हैप्पी, देर रात बरामद किए गए शव। गोरखपुर में महिला तांत्रिक की हथौड़े से हत्या, जिंदा गुरु की मजार बना करती थी तंत्रमंत, महिला से परेशान था पूरा गांव। इटावा में अनियंत्रित ट्रक ने प्राइवेट बस को मारी टक्कर, दो लोगों की मौत, सात यात्री घायल, कानपुर से राजस्थान जा रही थी बस। काल भैरव मंदिर में महिला से अभद्रता, गेट पर तैनात गार्ड पर धक्का देकर मंदिर से भगाने का आरोप, पुलिस से शिकायत की। मथुरा के युवक का हरियाणा में मिला शव, प्रेमिका को बुलाने गया था पलवल, 10 दिन बाद परिवार वालों की हुई जानकारी। महिला के पेट से निकली 12 किलो की गांठ, झांसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 6 सेंटीमीटर का चीरा लगा सर्जरी की। गाजियाबाद के ओयो होटल में मर्डर सुसाइड, प्रेमिका से शादी नहीं हुई, मिलने गया था, हत्या करके प्रेमी ने दी अपनी जान। नोएडा में मां बेटे ने सुसाइड किया, ज्यादा दवाइयां खाकर दी जान, आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान थे। शामली में ठेकेदार पर धारदार हथियार से हमला, खनन प्वाइंट पर ग्रामीणों ने घटना को दिया अंजाम, मेरठ के हायर सेंटर रेफर। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सुल्तानपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर, सीमांकन के बाद भी नहीं हटाया था अवैध कब्जा, तहसीलदार ने 1 माह पहले दिए थे आदेश। बाराबंकी में दो डबल डेकर बस हुई हादसे का शिकार, बाल बाल बचे दोनों बसों के यात्री, एक अनियंत्रित होकर पलटी। समय पर इलाज न मिलने पर गई लोगों की जान, पूर्व प्रधान बोले फोन करने के 1 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस, समय पर पहुंच जाती तो बच जाते। मुरादाबाद में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत, पिता ने कहा दहेज के लिए रोज पीटता था, इंजीनियर पति और टीचर ससुर। बच्ची से रेप और अपहरण का आरोपी अरेस्ट, महाराजपुर से नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले गया था युवक और फिर क्या रेप। देवरिया में पल्स पोलियो अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ, 944 लोगों की गठित की गई टीम, स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पिलाएंगे दवा। दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को जेल, महाराजपुर में 1 महीने पहले नवविवाहिता का फांसी पर लटका मिला था शव। संभल पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा, 33 दुर्दांत बदमाशों की फिर से खोली गई हिस्ट्री शीट, 8 थानों की पुलिस ने चलाया अभियान। आगरा में युवती के शव की शिनाख्त की उम्मीद जगी, हाथ पर अंग्रेजी में लिखे थे अजीत नाम और शोरूम के थैले के आधार पर पड़ताल जारी है। महोबा कोतवाली में युवक को थर्ड डिग्री जुर्म कबूल करवाने के लिए हदें पार कर दी गई, इतना पीटा कि चलने फिरने लायक भी नहीं बचा। बांगरमऊ में किसान ने फांसी लगाकर दी जान, 2 दिनों से दरवाजा न खुलने पर मोहल्ले वालों ने पुलिस को दी सूचना, घर में अकेला रहता था।
अलीगढ़ में ट्यूबवेल पर बिजली का तार जोड़ते समय किसान की हुई मौत, परिवार में मचा कोहरा। औरैया में राजस्व टीम को वसूली के लिए जाना पड़ा भारी, महिला ने जमकर की पत्थरबाजी, पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। संभल पहुंचे थे श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती, कहा हिंदुओं में जातिवाद बहुत बढ़ चुका है, ये हिंदुओं का विनाश का कारण बनेगा। रायबरेली में मीट की दुकानों पर प्रशासन की छापेमारी, सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाई फटकार दी और चेतावनी, गलत तरीके से बेचे जा रहे मीट को कराया नष्ट। पैंतीस शहरों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट, 87 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 30 मई तक होगी प्री मानसून का असर। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज, 30 मई से मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विशेष रूप से रहेंगे उपस्थित। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों में उत्साह, एक महीने में 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। उत्तराखंड में 1 जून को खुलेगी फूलों की घाटी, इस बार 200 मीटर तक बर्फ के बीच होकर पहुंचेंगे सैलानी। उत्तराखंड में धनरोटी मार्ग पर फोटो खींचते समय खाई में गिरा रुद्रप्रयाग का युवक, मौके पर हुई मौत। ऋषिकेश में गंगा में डूबा युवक, नहाते समय गंगा में डूबा, एसडीआरएफ ने बाहर निकाला शव। उत्तराखंड में ठग ठग गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, एक के बाद एक 5 घटनाओं को ऐसे दिया था अंजाम। उत्तराखंड में चक्राता से विकास नगर जा रही यूटिलिटी खाई में गिरी, 3 लोग थे सवार, 2 की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला ने इंटरनेट पर अपलोड की नाबालिग की अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज। वन भूमि पर मजार मस्जिद तोड़ने के विरुद्ध याचिका हाईकोर्ट में खारिज, सीएम ने कहा स्पष्ट गाइडलाइन तय। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सर्वदलीय धरना, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। उत्तराखंड में बदला मौसम, यमुनोत्री में ओलावृष्टि संग हुई बारिश, चट्टान गिरने से आदि कैलाश मार्ग बंद। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड, बकाया राजस्व वसूली में हिलाहवाली के आरोप हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए शुरू होगा अध्ययन, फंड के लिए शासनादेश जारी। उत्तराखंड में शहर से सटे रामपुर बॉर्डर के पास प्लाईवुड कंपनी में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ऋषिकेश चंबा धरासू हाईवे के पास पेट्रोल टैंकर खाई में गिरा, हादसे में चालक की गई जान, एक घायल। एर्दोगन दूसरी बार बनेंगे तुर्की के राष्ट्रपति, 20 साल में सत्ता में है, महंगाई भूकंप में 50,000 मौतें जैसे मुद्दों के बाद भी चुनाव जीता।
इजराइल और सऊदी के रिलेशन होंगे नॉर्मल। इजराइल खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ बोले, दोनों देशों के निडर नेता जल्द करेंगे फैसला। इकतीस मई को भारत आएंगे नेपाल के पीएम, बेटी समेत 50 लोगों को डेलीगेशन भी आएगा। बॉर्डर से जुड़े मसलों पर बातचीत मुमकिन है। मौत के बाद डिजिटली जिंदा रहेंगे लोग, भारतीय साइंटिस्ट का दावा। कंप्यूटर पर जल्द लोड कर सकेंगे ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अफसरों को रेप की साजिश में फंसाना चाहते थे इमरान, होम मिनिस्टर बोले, जांच एजेंसियों ने कॉल रिकॉर्ड कर ली है, ये दुनिया को सुनाएंगे। अमेरिका में बाइकर गैंग ने फायरिंग की, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। न्यू मैक्सिको के रोड के रिवर इलाके की घटना है। नीदरलैंड में सेलिब्रिटीज समेत 1500 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ देश के बड़े हाईवे रोके। अफगानिस्तान ईरान में पानी को लेकर बॉर्डर पर मुठभेड़, 4 की मौत। तालिबान बोला, हम 24 घंटे में ईरान को जीत सकते हैं। बीस साल में आसमान से गायब हो सकते हैं तारे, साइंटिस्ट बोले, आकाश का रंग धुंधला हो रहा है, हर साल नाइट स्काई ब्राइटनेस 10% बढ़ रही है। सुरौन सिविल वॉर से रुक सकती है सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई, यहां पैदा होने वाली खास गोंद पेप्सी को के लिए जरूरी, मेडिकल इंडस्ट्री पर भी असर। फेम 2 सब्सिडी में कटौती का असर, 1 जून से 32,500 महंगी हो जाएगी एथर 450 एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर, अभी शुरुआती कीमत 98,000 रुपए है। 5 जून से शुरू होगा एप्पल का WWDC 2023 इवेंट, iOS 17 और नए मैकबुक के साथ पहला मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट लॉन्च कर सकती है कंपनी। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 किया लॉन्च, जब कारगिल वॉर में अमेरिका ने मदद नहीं की थी तो हमने NVLIC डेवलप किया। चीन के पहले स्वदेश निर्मित यात्री विमान ने भरी व्यावसायिक उड़ान, बोइंग एयरबस को टक्कर देने की तैयारी। जर्मनी में आई आर्थिक मंदी, CII ने दी चेतावनी, कहा भारत के कुछ क्षेत्रों का निर्यात हो सकता है प्रभावित। बड़ी छटनी की तैयारी में लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयल, हजारों नौकरी पर खतरा है। तीन साल बाद UPI से होंगे 90% डिजिटली पेमेंट, हर रोज के लिए किए जाएंगे अरबों का लेन देन। भारत की GDP पहली बार 350 लाख करोड़ पार, अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। नोकिया C32 भारत पे लॉन्च, स्मार्टफोन में मिलेगी 3 की बैटरी लाइफ, 50 MP ड्यूअल कैमरा, शुरुआती कीमत 8,999 रुपए। डिज्नी में एक बार फिर होगी चटनी, तीसरे राउंड में 2500 एम्प्लाइज की नौकरी से निकालेगी डिज्नी, कास्ट कटिंग कर रही है कंपनी। रात 11:30 बजरंग पुनिया रिहा, विनेश फोगाट की सुरक्षा में आए पुलिसकर्मियों से बहस, बोली हमारा एनकाउंटर करना चाहते हो। HS प्रणय ने रचा इतिहास, मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने।
पहलवानों के धरने को लेकर इरफान पठान ने दी प्रतिक्रिया, कहा प्लीज मेरी गुजारिश है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। पहलवानों के साथ भारत के कप्तान सुनील छेत्री आए, कहा किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे ऋतुराज गायकवाड़, गायकवाड़ की होने वाली वाइफ का नाम है उत्कर्षा पवार। अंबाती रायडू ने किया संन्यास का ऐलान, चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, रायडू आईपीएल में सीएसके के अलावा एमआई टीम का भी एक अहम हिस्सा रहे। दो महीने तक धोनी और सीएसके की लोकप्रियता के आगे कोई नहीं टिक पाया, टीम और कप्तान रैंकिंग में रहे अव्वल। शुभमन गिल के दीवाने हुए आनंद महिंद्रा, ये लड़का भारत की नई रन मशीन है, हमने उनको जो धार तोहफे में दी थी। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, फाइनल में निशाने पर विराट कोहली का रिकॉर्ड। शुभमन के कोच ने शाह पर साधा निशाना, बोले पृथ्वी को लगता है कि वह स्टार है, उन्हें कोई छू नहीं सकता। सौरव गांगुली पर बनेगी बायोपिक, फाइनल हो चुकी है फिल्म के स्क्रिप्ट, रणबीर कपूर का कर सकते हैं दादा का रोल। दिगेला स्टोरी कंट्रोवर्सी पर अनुराग कश्यप का बयान, बोले फिल्म पर बैन नहीं लगना चाहिए पर ये प्रोपोगंडा तो है। स्वतंत्र वीर सावरकर का टीचर रिलीज, फैंस को भाया डायलॉग, गांधी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो 35 साल पहले होते आजाद। इरफान के बेटे बाबिल ने जीता आईएफ अवार्ड, सक्सेस मिलने पर आई पिता की याद, बोले बाबा मेरे इकलौते दोस्त थे। ट्रू स्टोरी लिखने से कहानी सच नहीं बन जाएगी, कमल हसन बोले प्रोपोगेंडा, द किरला स्टोरी डायरेक्टर सुमितबोध सेन ने दिया जवाब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान, बोले मेरे और मनोज वाजपेयी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को बिग बजट फिल्मों में लीड रोल नहीं मिलता है। मॉरिशस में दिकेला स्टोरी फिल्म के स्क्रीनिंग पर संकट, आईएसआईएस समर्थकों ने थिएटर को बम से उड़ाने की दी धमकी। ब्लैक फंगस ने ली फराज की जान, भाई की बीमारी को याद कर भावुक हुए इमली एक्टर फहान खान। फिल्म मेकर बंटी वालिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। सुनील शेट्टी के पास आते थे अंडरवर्ल्ड से कॉल्स, बिना जान की परवाह किए देते थे जवाब, पुलिस वाले ऐसा करने से रोकते थे। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।